Now again next C program based on array and pointer combinations. लेकिन इस केस में जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया सम यूजर डिफाइंड फंक्शन है ABC प्लस ABC कॉल कैसे हो रहा है एवरी टाइम रिकर्सिवली बेस्ड ऑन इफ कंडीशन. काफी इंटरेस्टिंग केस है. हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी रहे कंपेयर टू अदर केसेस. इस केस में कई सारे प्रॉपर्टीज केस यूज करेंगे. फर्स्ट वन इस केस में जस्ट मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्रिएट किया हुआ है एरे ए विद 5 एलिमेंट्स. रियल केस में एरे कहाँ क्रिएट हुआ है इनसाइड स्टैक डायग्राम. स्टैक को जस्ट मैनेज करें विद रिस्पेक्ट टू रिकर्सन्स के. रिकर्सन्स के केस में फंक्शन बार बार कॉल हुआ देन बार बार इस केस में इसको स्टोर करा हुआ इनसाइड स्टैक मेमोरी. स्टैक के केस में क्रिएट किया हुआ एरे लेकिन एरे में से डायग्राम को बैलेंस्ड मैनेज करने के लिए उन्हें एरे सेपरेट प्लेस पर प्रोवाइड किया है. रियल केस में क्रिएट करा हुआ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैक डायग्राम. क्लियर. इससे आपका आउटपुट अफेक्ट नहीं होगा. इन दैट केस सबसे पहले एरे क्रिएट हो तो एरे के केस में एरे नेम क्या है ए. अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 देन रिमेनिंग एलिमेंट का एड्रेस क्या हो 102 104 106 एंड 108 इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर. फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू असाइन किया 3 6 9 11 और 13. अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस है ना देन उसी लोकेशन का लॉजिकल नेम क्रिएट होगा एज अ स्टार है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में इसे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100 तो फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या होगा करस्पॉन्डिंग स्टार 100 क्योंकि स्टार के केस में जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी क्या है रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी एड्रेस बट इट विल रिटर्न वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस. जब भी आप स्टार किसी भी एड्रेस के लिए अप्लाई करो इससे हमेशा रिटर्न किया वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस फर्स्ट वन. देन जैसे ही मेन फंक्शन कॉल हो तो मेन को जस्ट मैं लोड करा रहा हूँ टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी मीन्स टॉप ऑफ स्टैक प्लस एरे ऑलरेडी मैं आउटसाइड स्टैक क्रिएट करा चुका हूँ. मेन के अंदर इंटरनली क्रिएट किया हुआ जस्ट लोकल वेरिएबल एज आई. लोकल वेरिएबल एज आई जस्ट आई को क्रिएट करने का पर्पज क्या है इटरेटिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द लूप ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट. फाइनली इस आई की हेल्प से लूप के थ्रू डिस्प्ले किया वो वैल्यू ऑफ दैट एरे. लेकिन इससे जस्ट पहले कॉल किया जाए फंक्शन ए बी सी. ए बी सी में पास हुआ ए. ए मीन्स एरे नेम और एरे नेम के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस किया जाए एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100. नेक्स्ट वन जैसे इस केस में ABC फंक्शन कॉल होगा तो ABC के रिस्पेक्ट में जब जब ABC फंक्शन कॉल होगा एवरी टाइम मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे वेरिएबल ऑफ ABC फंक्शन और लोकल वेरिएबल ऑफ ABC फंक्शन. वन मोर थिंग्स प्लस ये फंक्शन लोड कराऊंगे टॉप ऑफ द स्टैक. जस्ट स्टैक के टॉप में लोडिंग किसके लिए हो जाएगा फंक्शन नेम एज ABC प्लस इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में क्या पास हुआ था एड्रेस एज 100. दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग. क्लियर. देन ए बी सी के रिस्पेक्ट में जस्ट मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा पॉइंटर वेरिएबल पी और पी के इसमें करंटली असाइन किया हुआ 100 इसलिए पी का करंट वैल्यू क्या है एज 100. वन मोर थिंग्स इस फंक्शंस के केस में जब जब इस फंक्शन को कॉल करा उसके रिस्पेक्ट में जस्ट मैं 3 स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा हूँ. स्टेटमेंट 1 इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करूँ 2 लाइन्स को कंसीडर करें एज अ सिंगल स्टेटमेंट 2 और दिस वन स्टेटमेंट 3. तो ए बी सी के रिस्पेक्ट में टोटल कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने की नीड होगी टोटल देर आर 3 स्टेटमेंट. सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन क्या है प्लस प्लस स्टार पी. तो इस केस में पी के अंदर करेंटली क्या स्टोर है 100. तो इस पी के रिस्पेक्ट में स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ स्टार पी इज सिमिलर टू पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराओ पी का वैल्यू क्या है 100. तो जिस लोकेशन का नेम स्टार 100 है उसी लोकेशन का नेम क्या हुआ स्टार पी. और स्टार पी उस लोकेशन का नेम हुआ सिंपली जिस लोकेशन का एड्रेस 100 है जिस लोकेशन का एड्रेस पी के पास है. तो पी के पास 100 है इसलिए स्टार पी किसको रेफर करेगा इस करेस्पॉन्डिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग दैट प्लेस. देन स्टार पी के केस में जस्ट परफॉर्म कर रहा प्री इंक्रीमेंट. स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है 3. जैसे ये इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4. क्लियर. इस फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है. देन सेकेंड केस में सेकेंड स्टेटमेंट कंप्लीशन कराएं इस केस में कंडीशन टेस्ट करें वैल्यू ऑफ स्टार पी. स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है 4. 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन टू देन अगेन कॉल क्या हुआ एबीसी. लेकिन इस बार एबीसी के कॉल होने से जस्ट पहले परफॉर्म क्या हुआ प्री इंक्रीमेंट इन पी. तो पी के रिस्पेक्ट में पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट. पहले पी में इंक्रीमेंट हुआ और पी पॉइंटर वैल्यू है पी में करंटली क्या स्टोर है 100. तो करंटली पी किसको पॉइंट करा लोकेशन है 100. जैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी 102. तो इमीडिएटली पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा 102 लोकेशन. में से स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ स्टार 102. इस प्रीवियस केस में पी का वैल्यू 100 था इसलिए पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ 100. देयरफॉर इट इज सिमिलर टू स्टार पी. स्टार पी इज सिमिलर टू स्टार 100.
करेंटली पी में क्या स्टोर है 102, तो पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएं 102, तो अब करेंटली स्टार बी किसके सिमिलर है स्टार 102, मीन से लोकेशन बार बार चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट वन, फाइनली जब फंक्शन कॉल होगा तो चेक कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग एबीसी कॉलिंग था इसके टू स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट अभी पेंडिंग है। थर्ड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले अगेन फिर से कॉल क्या हो रहा है एबीसी फंक्शन, तो कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ हेडर ऑफ एबीसी। नेक्स्ट टाइम फिर से एबीसी फंक्शन कॉल होगा तो एबीसी अगेन लोड कहाँ हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, क्लियर। प्लस एबीसी के केस में करेंटली पास क्या हुआ वैल्यू ऑफ पी, पहले पी में इंक्रीमेंट हुआ तो पी की वैल्यू क्या हुई 102, देन सप्लाई क्या हुआ इस प्लेस पर 102 इन प्लेस ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट 102 पास हुआ। तो नेक्स्ट टाइम अगेन एबीसी के अंदर क्रिएट क्या होगा लोकल वेरिएबल पी वन मोर टाइम्स, देन अगेन पी क्रिएट कराएं प्लस पी के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट वैल्यू क्या सन हुआ 102 पी, मीन्स टोटल आपके पास पी नाम से कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स, क्योंकि स्टैक में टोटल इस फंक्शन की एंट्री भी कितने 2। देन नेक्स्ट टाइम अगेन एबीसी कॉल होगा तो एबीसी के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने की नीड होगी जस्ट 3 स्टेटमेंट, जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। इस पी के रिस्पेक्ट में स्टार बी किस लोकेशन का नेम हुआ इस लोकेशन का एड्रेस 102, मीन से पॉइंट किसको कर रहा है 102 लोकेशन, तो अगेन इस केस में परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट इन स्टार पी, और स्टार पी जस्ट सिमिलर किसके स्टार 102, तो इस केस में इंक्रीमेंट किस में हुआ स्टार 102 में, स्टार 102 का एग्जिस्टिंग वैल्यू 6 है जस्ट इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। नेक्स्ट वन अगेन इफ कंडीशन टेस्ट कराएं तो इफ कंडीशन में स्टार पी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, स्टार पी हमेशा टॉप पी के रिस्पेक्ट में चेक करें, जो टॉप पी में एड्रेस क्या 102 तो स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ जिस लोकेशन का एड्रेस 102 मीन्स दैट प्लेस, इसमें करंटली वैल्यू क्या 7, कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या 7 लेस देन इक्वल्स टू 10, इज दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, 7 लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ अगेन फंक्शन कॉलिंग, तो नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो अगेन पहले पी में इंक्रीमेंट होगा देन रिप्लेसमेंट, और स्टैक के टॉप में पी का करंट वैल्यू क्या 102, करंट वैल्यू क्या इसका जस्ट 102, जस्ट इसमें इंक्रीमेंट कराओ तो न्यू वैल्यू क्या होगी 104, इंक्रीमेंट के जस्ट बाद ए बी सी के अंदर प्लस प्लस पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो 104, देन फिर से कॉल क्या होगा पी, लेकिन इससे एग्जिस्टिंग पी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है सेकेंड भी कंप्लीट, जो एग्जिस्टिंग ए बी सी कॉलिंग के लिए सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगेन कॉल किया रहा एबीसी, लेकिन इस बार एड्रेस क्या पास हुआ 104। नेक्स्ट टाइम अगेन स्टैक के टॉप में एक और एंट्री क्रिएट होगा एबीसी के नेम से विद एड्रेस 104, क्लियर। प्लस इसके अंदर अगेन क्रिएट क्या हुआ लोकल वेरिएबल एस पी, इस बार पी में क्या पास हुआ है 104, प्लस इसके रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा हुए 3, चेक कर सकते हो प्रीवियस टू एबीसी के लिए 2 स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके लेकिन थर्ड स्टेटमेंट अभी भी कैसा पेंडिंग ऑपरेशंस, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन फिर से कॉल क्या हुआ इस केस में देन टॉप एबीसी के लिए 1x1 सारे के सारे स्टेटमेंट कंप्लीट करें, प्लस इस केस में चेक कर सकते हो प्रीवियस पी का भी वैल्यू क्या है 104, स्टार पी इस पी के अकॉर्डिंग स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ जिस लोकेशन का एड्रेस 104 है, मीन्स स्टार पी इस केस में करंटली किसको रेफर कर रहा है स्टार 104, स्टार पी सिमिलर टू स्टार 104 इन टॉप केस। नेक्स्ट वन अगेन सबसे पहले जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा प्री इंक्रीमेंट इन स्टार पी का करंट वैल्यू क्या 9, इंक्रीमेंट होने से इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 10, क्लियर। देन अगेन सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जस्ट परफॉर्म क्या कराएं इसके लिए सेकेंड ऑपरेशन क्या जस्ट कंडीशन टेस्टिंग स्टार पी का करंट वैल्यू रिप्लेस करें स्टार पी का करंट वैल्यू क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से कॉल क्या हुआ वन मोर टाइम एबीसी फंक्शन, नेक्स्ट टाइम एबीसी फंक्शन अगेन कॉल हुआ तो लोड का हो जाए टॉप ऑफ द स्टैक, लेकिन एबीसी के केस में पास क्या हो रहा है प्लस प्लस पी, प्लस प्लस पी के रिस्पेक्ट में पहले पी में इंक्रीमेंट करा हुआ पी का करंट वैल्यू क्या 104, पी में इंक्रीमेंट हुआ तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 106, देन इस कॉलिंग में पास भी क्या हुआ वैल्यू क्या पास हुआ जस्ट पी का करंट वैल्यू है 106, तो नेक्स्ट टाइम जब पी को एबीसी फंक्शन कॉल होगा तो अगेन क्रिएट क्या हुआ पॉइंटर वेरिएबल एज पी, प्लस इस केस में थर्ड ऑपरेशन कैसा पेंडिंग ऑपरेशन, पी के केस में जस्ट पास क्या हुआ है एड्रेस एज 106, अगेन इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं एग्जैक्टली 3 स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट टाइम पी में 106 स्टोर है
तो सर टॉप पी के रिस्पेक्ट में स्टार पी किस लोकेशन का नेम होगा जिसका एड्रेस 106 है, क्लियर। स्टार पी किस लोकेशन का नेम जिसका मेमोरी एड्रेस 106 है, इसी लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार पी। तो अगेन फिर से इस पर्टिकुलर केस में परफॉर्म क्या कराएं, थ्री ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, जस्ट इंक्रीमेंट इन स्टार पी। तो स्टार पी के रिस्पेक्ट में स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है, स्टार पी उस लोकेशन का नेम जिसका एड्रेस 106 है, इंक्रीमेंट कराओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। नेक्स्ट केस, इसके जस्ट बाद सेकेंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या होगा, कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशन टेस्ट करेंगे तो स्टार बी में करेंटली वैल्यू क्या 12 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन बिकम फॉल्स। फॉल्स है मीन्स सेकेंड ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। फॉल्स के केस में चांस किसको मिलेगा, थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन इंक्रीमेंट किस में हुआ स्टार पी में। तो स्टार पी में अगर नहीं इंक्रीमेंट कराओ तो स्टार बी का मीन्स इट इज अ थर्ड ऑपरेशन। स्टार बी का करंट वैल्यू 12 है, इंक्रीमेंट होने वाला इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एग्जैक्टली एज 13, क्लियर। नेक्स्ट वन, फाइनली टॉप एबीसी के लिए ऑल थ्री ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। थ्री ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल का है रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लस, प्लस इस फंक्शन का एंट्री स्टैक के टॉप से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन सॉरी इन दैट केस, अब नेक्स्ट है प्रोसेस क्या हुआ, इट्स प्रीवियस फंक्शन कॉलिंग इज दैट वन। इस केस में स्टार्टिंग टू स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, कंट्रोल का सेंड कराओ डायरेक्टली ऑन द थर्ड स्टेटमेंट, क्लियर ऑन द थर्ड स्टेटमेंट। प्लस इसके साथ पी के अंदर क्या स्टोर है 106, तो स्टार पी किस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस 106 मीन सेम। इसके साथ थर्ड स्टेटमेंट परफॉर्म करा तो थर्ड स्टेटमेंट में अगेन परफॉर्म क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इन स्टार पी। स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है 13, तो इस प्लेस पर अगेन इंक्रीमेंट कराओ तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी एग्जैक्टली 14। प्लस इसके भी तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, रिमूव दिस एंटीज फॉर्म आ टॉप ऑफ स्टैक एंड कंट्रोल कांस्टेंट हुआ रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस इन सेम प्रीवियस। लेकिन प्रीवियस में टू स्टार्टिंग के टू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, दैट वन कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ स्विच करोगे थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन इस केस में इस थर्ड कॉलिंग के अकॉर्डिंग स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ जिसका एड्रेस 104 है, क्लियर। अगेन स्टार पी किस लोकेशन को रेफर करेगा 104। नेक्स्ट टाइम इसका थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कराएं तो थर्ड ऑपरेशन क्या अगेन प्लस प्लस स्टार पी, स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है 10, प्लस प्लस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 11, क्लियर। देन अगेन कंट्रोल सेंड करें रिटर्न बैक टू अगेन इट्स कॉलिंग प्लेस, क्योंकि इसके ऑल थ्री स्टेटमेंट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट टाइम अगेन ए बी सी को चांस मिलेगा तो कंट्रोल कहाँ रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस थर्ड स्टेटमेंट, मीन्स बिगिनिंग टू ऑपरेशन ऑलरेडी सभी फंक्शंस के कंप्लीट है, तो कंट्रोल कहाँ फॉरवर्ड करोगे डायरेक्टली थर्ड स्टेटमेंट। वन मोर केस, इस केस में पी में क्या स्टोर है 102, तो स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ इसके अकॉर्डिंग 102 लोकेशन, 102 लोकेशन का नेम क्या हुआ स्टार पी। तो अगेन इंक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार पी में, स्टार पी में अगेन इंक्रीमेंट हो तो स्टार पी का करंट वैल्यू 7 है, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 8। प्लस इसका थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, कंट्रोल का सेंड रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस मीन्स इन साइड मैन, मैन के अंदर किस प्लेस पर आया कंट्रोल इन इट्स कॉलिंग प्लेस। देन मैन के अंदर सेकंड केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराया जस्ट लूप एग्जीक्यूट कराया फ्रॉम 0 to 5। तो इसे एरे के केस में फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है, एरे नेम के रिस्पेक्ट में A0, A1, A2, A3 एंड A4। देन जस्ट लूप का यूज करने से सारे फंक्शन स्टैक के टॉप से कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं। देन चांस किसको मिलेगा मैन को, मैन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आई में कैसा हो जाएगा 0, कंडीशन टेस्टिंग 0 less than 5, कंडीशन इज ट्रू एंड डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0। और करंटली मॉनिटर में ए ऑफ 0 का क्या वैल्यू डिस्प्ले होगा, इस फाइनली इस लूप के थ्रू डिस्प्ले क्या रहा है एलिमेंट ऑफ गिवन एरे, कि ए ऑफ 0 में करंटली क्या स्टोर है वैल्यू एज 4। फर्स्ट टाइम का डिस्प्ले होगा 4, नेक्स्ट टाइम सेकेंड एलिमेंट डिस्प्ले होगा 8, थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले हुआ एज 11, फोर्थ एलिमेंट डिस्प्ले हुआ एज 14, देन लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले हुआ एज 13। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ गिवन एग्जाम्पल।